ऐसी अनेक हत्याएं करी, लूटपाट करी, बेइज्जती करी। ऐसे हत्या करे हुए आदमी गोलोक धाम जाएंगे क्या कि नरक में जाएंगे? आप लोग बताओ सही ईमानदारी से, कितना जी गोलोक धाम में जाके नरक में जाए? बोलो हाथ खड़े करके, नरक में। तो बजाओ ठोको ताली जाके नरक में जाए, भेज तो चले गए नरक में, मोड़ा करे हमारा बाप गो स्वर्ग में जाए हो। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि ये लोग कहेंगे भैया बिना बाप को मोड़ा होगा सहानुभूति दे दो, अरे सहानुभूति हमारे सुन जाए को दो, जिनकी दो बेटी ब्याह को थी एक बेटा था और जिनकी दिन दहाड़े तुमने अपने गांव में हत्या की, तुम्हारी क्या की सहानुभूति? तुम्हें करुणा भाव, 15 दिन तुम घर पे रहे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर भेजो, तुम इलाज कराओ। अत्याचार अन्याय पाप बढ़ तो भगवान के तरह न्याय है, अन्याय नहीं होगी। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है आपको गांव गांव में कांग्रेसियों को जवाब देना है, हर बात का जवाब देना है। आपके साथ पार्टी खड़ी है, हम खड़े हैं, जिला अध्यक्ष खड़े हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कांग्रेसी कुछ करता है आप तत्काल जब यहाँ के मंडल अध्यक्ष को बताओ, दुनिया बुआ को बताओ, राज्य शर्मा को बताओ, हमको बताओ, जिला अध्यक्ष को बताओ, तत्काल काम होंगे कांग्रेसियों के। अगर आपकी तक कोई आंख उठाता है उसकी आंख निकाल ली जाएगी, कांग्रेस की जिंदगी बचेंगे, या तो जेल में जाएंगे या रास्ते पे आएंगे, कल बबुल रास्ते दरगाह के जिन्हें यादव जी के ऊपर नाश है, नाश नाश है, नाश गाड़ी चढ़ाई, यादव जी घायल भय, हमने एसपी को ज्ञापन दो, शिशपाल यादव जी गए थे ज्ञापन दिया, केस बना, और कल बबलू राजा को कैसर बंद हो गया, वेयर हाउस की जमीन न पूरी बाबियत में पाई गई, जैसे बात दुकानें चला दी, कंट्रोल की देवी निलंबित हो गई, जेल की तैयारी हो रही। आप विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस के एक नियम के सब जेल के अंदर जाएंगे। जय महाराज की। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी तय कर लिया है, न खाएंगे न खाने देंगे, न अत्याचार करेंगे न करने देंगे, रामराज लाएंगे। भाजपा की जो मंशा है रामराज की, कोई रामराज भारतीय जनता पार्टी की जो कल्पना है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए सुख सुख भोगने के लिए बनी, ये पार्टी बनी है रामराज लाने के लिए, कश्मीर से 370 हटाने के लिए, अयोध्या में राम का मंदिर बनाने के लिए, समान नागरिकता लाने के लिए,